Salam my Aziz listeners, welcome back to my channel. First of all, I am very thankful to you that you some your And to all those people who are new here, I welcome you all with the core of my heart. If you want, then you can also subscribe to my channel and you may also press the bell icon so that you will be able to get the notifications of all of my upcoming videos. सो लेट स्टार्ट एपिसोड ऑफ द नावल उसे टूट कर चाहा हमने बाई सयदा तहमीना जहरा सो so लेट स्टार्ट तुम सरगुल ने हैरत से उसे पुरसकून अंदाज में गाड़ी के साथ टेक लगा कर खड़े देखा स्काई ब्लू सूट पर अपने मखसूस हेयर स्टाइल में उसे नागवारी से घूरती वो सीधी दिल में उतरती महसूस हुई बेशक मुझे देख कर लड़कियाँ अपने होश गवा बैठती हैं लेकिन तुम तो लगता है कभी होश में ही नहीं आओगी ग्लासेस हाथ में पकड़ते हुए वो बरह रास्त उसकी साहिर आंखों में देखते हुए फिक्रमंदी से बोला तो वो ज़रा सी संभली शायद उसे एहसास हो गया था कि मैसम की आमद को उसने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था एक तो तुम्हें कुछ फहमियाँ बहुत हैं अपने बारे में से फ्लर्ट करने से पहले याद रखा करो कि मैं तुमसे एक वर्ष तीन माप पड़ी हूं शोल्डर बैग को खाम फिर से कंधे पर रखते हुए वो अपनी मखसूस धमकी दे गई तो मैसम मुस्कुराया। वही मुस्कुराहट जिससे वो, जिस वो चिड़ती थी फ्लर्ट के रास्ते में ये उम्र आ सकती है लेकिन मोहब्बत उम्र से नहीं दिल से की जाती है और दिल दिल कहता है काश तुम तमाम फर्द बुला दो इंतहाई तज़ीम से उसके लिए फ़्रंट डोर खोलते हुए वो बिना उसके सिम देखे होंठों पर मध्धम से मुस्कान लिए गोया हुआ लेकिन उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं खामोशी से गाड़ी में बैठ गई शायद वो मैसम के एहसास को नज़रअंदाज करने का ठान चुकी थी और उसके यही अंदाज मैसम को उसके ज़्यादा करीब करते जाते थे आज ऑफिस नहीं गए मैसम की गाड़ी स्टार्ट करते ही वो नॉर्मल अंदाज में बोली गया था लेकिन मुझे लगा शायद तुम नाराज हो मुझसे तो खुद को रोक नहीं सका सोचा तुम्हें तो यूनिवर्सिटी से पिक करके घर छोड़ दूं और तुमसे सॉरी कर लूं। पैक मिरर पर निगाहें टिकाए वो इंतहाई संजीदगी से बोला तो जरगुल सी नज़रों से उसे देखने लगी सॉरी मगर किस लिए वो मैंने रात को तुम्हारा मग जबरदस्ती उठा लिया था तो तुम्हें बुरा लगा होगा इसीलिए तुमने रात का खाना भी नहीं खाया मैसम ये क्या दीवानापन है वो शशतर सी उसे देखे गई शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लापरवाह सा नज़र आने वाला शख्स उसके लिए इतना हसास हो सकता था शुक्र है तुमने इसे मेरा बचपना नहीं कहा नाराज़गी तो मुझसे किसी की भी बर्दाश्त नहीं होती और तुम तुम तो बहुत ख़ास हो ना मेरे लिए शट अप मैसम इतनी सीरियस बात कब थी वो भला कि तुम इतनी लंबी वजाहतें दे रहे हो ये ठीक है वो मग मुझे बहुत अजीज़ है वो मॉम ने मुझे मेरी बर्थडे पर दिया था और मैं इसे किसी से शेयर नहीं करती लेकिन तुम लेकिन मैं तो बहुत ख़ास हूँ ना वो उसका फिकरा काटते ज़रा सा उसकी सिम झुकते जु, हुए शरारत से बोला तो वो बुरी तरह तप गई वो जितनी भी कोशिश करती लेकिन मैसम अब्बास कासमी की बेइख्तियारियों को अवॉइड नहीं कर सकती थी उसकी गंदमी रंगत में गुलती सुरखी और बेपनाह अताब मैसम के होठों पर सजी मुस्कुराहट गायब कर गया मैं नहीं जानता जर मोहब्बत में लोग क्या करते हैं लेकिन प्लीज़ मैसम मुझसे ऐसी कोई बात ना करो पता नहीं वो जिंदगी का कौन सा लम्हा था जब मैंने अपने सारे दुख तुमसे कह दिए फिर तुम बुरा मानोगे लेकिन ये सच है कि बजाय मेरे गम को समझने के तुम अपनी लापरवाह हरकतों से मेरे दुख में इजाफ़ा कर रहे हो मैं बहुत कमज़ोर हूँ मैसम मज़ीद बदनामियाँ सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में और मोहब्बत छोड़ दो ये बचपना मोहब्बत दुख के सिवा कुछ नहीं देती मुझे तुम बहुत अजीज़ हो मैसम मैं तुम्हें दुख से बचाना चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी अहमियत से इनकार नहीं कर सकती हाँ ये सच है तुम मेरे लिए ख़ास हो तभी तो मैंने तुम पर भरोसा किया और लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मुझे तुमसे भी अहमियत नहीं मोहब्बत चाहिए इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो ज़िद्दी लहजे में बोला तो ज़रगुल ने ठिठक कर उसे देखा लेकिन उसके मज़ीद कुछ बोलने से पहले मैसम ने झटके से गाड़ी घर के सामने रोकी तो वो एक लम्हे का भी इंतज़ार किए बिना खट से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती अंदर की तरफ बढ़ गई मैसम के दिल में जैसे कोई दहक उठा था उसने गाड़ी फुल स्पीड में वापस मोड़ी जरगुल के लहजे की करख्तगी इसकी रूह पर आबले डालती महसूस हो रही थी तुम वाकई मोहब्बत के मायने से अनजान हो ज़र झूठ कहती हो तुम कि तुमने मुझ पर भरोसा किया है भरोसा ऐसा होता है क्या तुम्हारे साथ मेरी मोहब्बत की ताकत है और तुम खुद को कमज़ोर कहती हो भरोसा किया तो होता ज़र सारे ज़माने से लड़ सकता हूँ सिर्फ़ तुम्हारे लिए मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम उन दुखों को भुलाना ही नहीं चाहती ये मेरा बचपना नहीं है यह तो मेरी मोहब्बत है अगर मैं तुमसे हर पार इन्हीं दुखों पर बात करूं, तो क्या फिर तुम तो मुझे अपना हमदर्द जानोगी मैं बहुत बोलता रहता हूं सर लेकिन शायद ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं किसी से भी इसके दुखों पर बात करते डर जाता हूं। तो तुमसे क्या बात करूं? तुम्हारी मॉम की डैड की जर वक्त की या शहबाज़ खाकवानी की दुख तो सभी बड़े हैं भला मैं किस दुख पर तुम्हें रोता हुआ फिर से तड़पता हुआ देखूं? मेरे हाथों पर आज भी तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं का लम्स बाकी है, मैं बहुत बहादुर हूँ सर लेकिन मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता लेकिन शायद तुम इसे भी मेरा बचपना ही कहो शाम के साय आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते जा रहे थे और वो जरगुल के तस्वर से लड़ते लड़ते जाने कहाँ से कहाँ निकल आया वो कहा करता था कि वो बदल नहीं सकता वो सोचता था वो हमेशा अपने दुखों को छुपा कर मुस्कुराते रहने का चलन नहीं बदलेगा लेकिन वो बदल गया था मोहब्बत ने उसे बदल दिया था उसकी मुस्कुराहटें हर पल बोलते रहने की आदत जानी कहाँ खो गई उसे तो खबर भी ना हुई वो जाने कब तक इसी बेखबरी के आलम में जिए जाता कि तहदीम ने इसे चौंका दिया तुम बदल गए हो मैसम तुम्हारी आँखें तुम्हारे होठों के साथ मुस्कुराती नहीं हैं क्या बात है तहरीम ने उसकी डार्क ब्राउन आँखों की बुझी रोशनियों का सबब पूछा तो वो चौंक गया लेकिन अगले ही लम्हे जब वो बोला तो उसके लहजे का एतमाद बहाल हो चुका था वहम है आपका आपको तो पता है कि मैसम अब्बास कासनी कभी नहीं बदल सकता तुम बदल सकते हो या नहीं ये एक अलग बहस है लेकिन ये यकीन कर लो कि झूठ कभी अच्छा नहीं बोल सकते अच्छा ये बताओ कहीं कोई सियानी तो नहीं मिल गई मायनी खैज़ लहजे में कहते हुए तहरीम ने बिल्कुल निशाने पर तीर लगाया तो वो एक लम्हे के लिए सा हो गया फिर आहिस्तगी से सर हिलाते हुए गोया हुआ सियानी मिली तो सही लेकिन उसे भी कोई सियाना चाहिए था मुझसे दीवाना नहीं वत जरगुल इतनी अहमद तो नहीं लगती अब भला तुमसे अच्छा कौन है तहरीम एकदम रवानी से बोलती चली गईं तो मैं शशतर सा इन्हें देखे गया जरगुल का नाम उन्होंने कैसे आसानी से जान लिया था जबकि वो तो इन्हें इस सिलसिले में कुछ भी ना बताने की ठान चुका था अब यूँ स्टूपिड अंदाज में मत घूरो मुझे तुम ना बताओ तो क्या मैं अंधी हूँ डाइनिंग टेबल पर जब वो आकर बैठी थी तो तुमने सिर्फ़ एक नज़र उसे देखा था जानते हो मैं सब उस एक नज़र में कितनी रोशनियाँ कितने रंग भरे थे उस लड़की के लिए और बस वही एक नज़र मेरे गिरफ्त में आ गई अच्छा अब बनो मत बताओ मुझे सारा किस्सा आखिर क्या माजरा है मुझे अपना दोस्त कहते हो और मुझे से दिल की बातें छुपाते हो तहरीम ने मोहब्बत से उसके बाल बिगाड़ते हुए शिकवा किया तो वो बेबस हो गया अपने दिल की एक एक बात वो किसी मामूल की तरह कहता चला गया अपनी बेसाख्ता मोहब्बत जरगुल का खुद साख्ता गुरेज और दिल में उठते तूफ़ानों तो का हर लफ्ज़ उसने तहरीम को कह सुनाया एक बर्ष तीन माँ बड़े होने के जाम में वो मुझे कुछ समझती ही नहीं ठीक है मेरा अंदाज गल था शायद इजहार मोहब्बत यूँ नहीं किया जाता लेकिन मेरे खौफ ने मुझसे वो सब कहलवा दिया मैंने उसकी आँख में आंसू देखे तो जाने कैसे मैंने उसे कह दिया कि मुझे उससे तहरीम मैं डर गया था कुछ ना कह सकने की आग में मैंने जहीर चाचू को बरसों से जलते देखा था और शायद यही खौफ मेरी कमज़ोरी बन गया वो कहती है इसे मुझ पर भरोसा है लेकिन जब मैं उसके होंठों पर हंसी सजाने की ख्वाहिश करूं तो वो उसे मेरा बचपना करार देती है मैं मोहब्बत से थकने लगा हूं मैंने जहीर चाचू की तन्हाई देखी है तहरीम और अब मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ा हूँ मैं ऐसा नहीं होना चाहता लेकिन इस मोहब्बत ने मुझे तन्हा कर दिया है मुझे हर पल ये ख्याल सताता है कि शायद मैं उससे अपने दिल की बात ना कहता तो अच्छा होता मुझसे उसकी बेकदरी सही नहीं जा रही तहरीम मैं क्या करूँ मैसम तुमने जो भी किया वो सब दुरुस्त था वो तो पगली है तुम्हारा इजहार इसे खुद से मिलाएगा मैसम वो यूं ही तो अपनी अहमियत जानेगी प्लीज़ तुम खुद को जहीर से मत मिलाओ वो तनहा नहीं बर्बाद हुआ उसने अपने साथ पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया मोहब्बत में हार और जीत का मार्जिन रखना चाहिए तुम उसे पाने की उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की हर कोशिश करो लेकिन आखिरी फैसला खुदा पर छोड़ दो जिस खुदा ने तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत डाली है वही इसे तुम्हारा नसीब भी बनाएगा बस मोहब्बत के रस्ते में हिम्मत कभी ना हारना तहरीन के अल्फाज उसके दिल में नई तोानाइयाँ पैदा कर रहे थे वो एक बार फिर जरगुल की बेअतनाइया भूलने लगा था नेक्स्ट सीन देखा तुमने कितनी अहमियत है मेरी तहरीम यहाँ सिर्फ मेरी शादी के लिए आई है रोशना ने इतरा कर उसे इतला दी ओहो तो बना ही लिया आपने इस बेचारी लड़की को बेवकूफ वैसे रुशना तहरीम ने मुझे घर पर ही बता दिया था कि आई तो अपने काम से हूँ लेकिन चलो ओ को भी इस बार निपटा जाऊंगी मैसम ने फ़ौर तहरीम के इरादों से उसे बाखबर किया तो वो फ़ौर रूहान सी हो गई शटअप मैसम हर बात में अपने नाक मत घुसेड़ा करो और रोशना तुम भी हमेशा उसकी बातों में आ जाती हो मैं वाकई तुम्हारे लिए आई हूँ अब इसकी सज़ा ये है कि इसने जो हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की है इसके जवाब में हम कतई ला लातालुकी इख्तियार कर लें इससे उठो तुम्हारे कमरे में चलते हैं मुझे अपनी शॉपिंग दिखाओ तहरीन ने कत्ताल तालुकी का ऐलान करते हुए रोशना का हाथ पकड़ा और उसके कमरे की तरफ बढ़ गईं तो मैसम मुकम्मल तौर पर जोशना भुप् की तरफ मतवजा हुआ अच्छा है इसी बहाने हमें अपनी बातें करने का मौका मिलेगा कितने दिन हो गए हैं ना भुप्पो हमें साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला वह उठकर कर भुप्पो के पास रखे कुशन पर आ बैठा और उनकी गोद में लाड से सर रख दिया तो भुप्पो मुस्कुरा दी ज़रा सा झुकते हुए उन्होंने उसके माथे पर प्यार किया और उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेते हुए गोया हुई कभी कभी सोचती हूँ मैसम तुम ना होते तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी कितनी बदरंग होती तुम्हारी हंसी तुम्हारी प्यारी बातें जिंदा होने का एहसास दिलाती हैं तो वो एक बात बताएं इतना प्यार करती हैं आप मुझसे लेकिन अगर मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहूँ जो आप सबके मैार पर पूरी ना उतरती हो तो क्या फिर भी आप मुझे यूं ही प्यार करेंगी या ये कैसा सवाल है मैसम? वो उसके अचानक सवाल पर चौंक गई प्लीज़ पुप्पो मेरी बात का जवाब दें मेरे लिए आपका जवाब बहुत अहमियत रखता है क्या आप मुझे फिर भी इतना ही चाहेंगी या आपके प्यार में कमी आ जाएगी मैसम पर जैसे कोई जुनून सा तारी हो गया था उसके ज़िद्दी लहजे पर पुप्पो चंद सानिये ख़ामोश रहीं फिर संजीदगी से बोली हमारी ज़िंदगी में बहुत दुख है मैसम और हमारी सभी उम्मीदें तुम बच्चों से हैं हमें उम्मीद है तुम हमें मायूस नहीं करोगे लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं पहले तुम्हें कायल करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। लेकिन तुम्हें फिर भी अपना फ़ैसला दुरुस्त लगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे यकीन है तुम जिसे चाहोगे इसमें कुछ तो खास होगा और आइंदा ये सवाल मत करना हालात जो भी हों प्यार कभी कम नहीं होता बेटा जुफशा भुप्पो के अल्फाज पर वो खामोश नज़रों से उन्हें देखता रहा उनके लफ्ज़ों से उसे अपने लिए बेपना मोहब्बत का एहसास मिला था वो उसके लिए हर किसी से लड़ने को भी तैयार थे तो यही साथ आपने असमा खाला का क्यों नहीं दिया सवाल था या धमाका कितने ही लम्हे भुप्पो बेकीन नज़रों से उसे देखते नहीं शायद इन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैसम कभी ऐसा सवाल भी कर सकता है अगर प्यार कम नहीं होता तो वो जो घर भर की लाडली थी एक ही लम्हे में गैर कैसे हो गई कि उन्होंने आग में जलना चाहा और आप में से किसी ने बढ़कर कर उन्हें रोका ही नहीं आप लोगों ने उन्हें हमेशा ज़हिर चाचू के रिश्ते से चाहा, प्यार दिया और इस धोखे में आपने बुला ही दिया कि वो खुद भी कोई जीता जागता वजूद हैं सब ने उन्हें सींत सींत कर रखा और उनके एहसास भुला दिए आपसे तो बहुत दोस्ती थी उनकी फिर आपने उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया आप सिर्फ़ अब सिर्फ इतना कहूँगा उन्होंने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है वो बहुत बीमार हैं अगर आप उनकी गलती भुला दें तो शायद इनकी रूह पर छाया बोझ कम हो जाए कोई तो हो जो उनका गम भी समझे हो सकता है उनके लिए दिल में ज़रा सी वसुत पैदा करने से हमारे दुखों का भी अजाला हो जाए मैसम आहिस्तगी से कहता चला गया पुप्पो की मुसलसल खामोशी ने उसे हौसला दिया था जूफशा पुप्पो सर झुकाए बैठी थीं मैसम ने नरमी से उनका चेहरा ऊपर किया तो दंग रह गया उनकी आँखें आंसुओं से लबरेज थीं पता नहीं कौन कौन से नासूर थे जिनके दर मैसम के अल्फाज ने जगा दिए थे ये क्या ड्रामेबाजी है तुमने मेरी ममा को रुलाया क्यों रोशना की आवाज़ पर वो दोनों संभल पाए जूबशाह पुप्पो ने तेज़ी से अपनी आँखें रगड़ डाली बोलिए मम्मा क्या कहा है इस मौसम के बच्चे ने आपको जूबशा पुप्पो के करीब बैठते हुए उसने अपनी बाहें उनके गले में डालते हुए पूछा तो मैसम फौरन अपनी जोन में वापस आ गया अरे ये तो खुशी के आंसू हैं पुप्पो खुश हैं कि अब बहुत जल्द इनकी तुम जैसी बेकार निकम्मी बेटी से जान छूटने वाली है मैसम बहुत बदतमीज़ हो तुम रोशना ने खफकी से कुशन उठाकर उसे तय मारा तो रोशना के बिगड़े तेवरों ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया पुप्पो ने मोहब्बत भरी नजरों से मैसम को रोशना से उलझते देखा वो सच में उनकी बेरंग ज़िंदगी की खुशी था पर शादी बहुत सी नई आने वाली खुशियों का सबब भी बनने वाला था नेक्स्ट सीन एक खामोश जंग है अली भैया और जहीर भैया में जिसका उन्होंने इजहार तो कभी नहीं किया लेकिन हमारे दरमियान ये जो इतनी दूरियां हैं ये उन्हीं की सर्द महरी का नतीजा है असमा की शादी अली भैया ने करवा तो दी लेकिन उनमें भी इतना हौसला नहीं था कि वो ये ख़बर ख़ुद जहीर भैया को देते जहीर भैया रोज़ ही फ़ोन किया करते थे लेकिन हम में से कोई भी उन्हें इस बारे में नहीं बता सका हमारे घर में हर वक्त सफ़े मातम बिछी रहती आंसू और बस अस्मा की बे राह की बातें कैसे एक मोहब्बत की खातिर वो हम सब की बरसों की मोहब्बत भूल गई थी अस्मा ऐसा भी कर सकती है हम में से तो कोई कभी किसी ने सोचा भी ना था लेकिन होनी को कौन टाल सका है जहीर भैया अस्मा की शादी के बीस दिन बाद ही घर लौट आए अस्मा उनसे कभी फ़ोन पर बात नहीं करती थी इसलिए उन्होंने कभी उसकी ग़ैर मौजूदगी को महसूस नहीं किया वो यूँ अचानक आकर हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे लेकिन यहाँ ऐसी हकीकत उनके मुंतज़र थी कि वह साकित रह गए मोहब्बत मजबूत से मजबूत इंसान को तोड़ कर रख देती है तो मानो कि मैं सम उस रोज़ पहली बार मैंने सहिर भैया की आंखों में आंसू देखे असमा को हमेशा उनकी बेरूखी का गिला रहा था लेकिन अगर वो इस वक्त उनकी आँखों में अपने लिए मोहब्बत देख लेती तो शायद तमाम उम्र उन्हें बेहिस कहने पर आंसू बहाती और अगले ही रोज़ वो जिस तरह अचानक आए थे वैसे ही चुपचाप वापस चले गए और उनकी यही खामोशी अली भैया को अपनी ही नज़रों में मुजरिम बना गई वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमसे कटते चले गए अब वो दोनों एक दूसरे से बात भी करते हैं तो यूं जैसे अजनबी हों फिर तुम ही बताओ ये फ़ासले अब कैसे ख़त्म होंगे जुबशा पुप्पो ने उसे एक एक करके बीते वक्त की तमाम हकीकतें बता दी थीं। उनके सवाल पर वो चंद लम्हे खामोश रहा फिर आहिस्तगी से सर हिलाते हुए गोया हुआ सब ठीक होगा पुप्पो ये सब जो हुआ इसकी वजह यही थी कि आप सब ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जहीर चाचू ने अपनी मोहब्बत पर भरोसा नहीं किया अस्मा ख़ाला ने जहीर चाचू की खामोशी को शक से देखा और बाबा ने अस्मा ख़ाला की ख्वाहिश को तो देखा लेकिन जहीर चाचू के जज्बों का नहीं सोचा और फिर आप सब ने जहीर चाचू से तमाम हकीकतों को छुपा लिया तो उन्हें सदमा तो होना ही था शायद आप में से कोई उन्हें जज्बाती सहारा देता तो वो यूँ ना टूटते लेकिन अब बहुत वक्त गुज़र गया है फिर भी उन्हें वापसी का सफ़र कहीं से तो शुरू करना है इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ तो जूफ शाह जो खामोशी से उसे सुन रही थी बुरी तरह चौंक गई मैं असमा से मिलना चाहती हूँ मैसम मैसम उनकी इस कदर अचानक फरमाइश पर चौंक कर मुड़ा वो इनसे इतनी जल्दी इन अल्फाज की उम्मीद नहीं कर रहा था अभी कुछ अरसा पहले तो इसने उन्हें असमा खाला के ख़िलाफ़ बोलते सुना था और आज वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बड़ी आस से देख रही थी उसकी तरफ मिलेंगे लेकिन ठीक वक्त पर अभी वो मुल्क में नहीं है। हैदर अंकल इलाज के लिए इन्हें लंदन लेकर गए हैं बाकी आप जरगुल से मालूम करें उसे इस वक्त आप सबकी मोहब्बतों की, की बेहद ज़रूरत है ओके मैं चलूँ तहरीम और परबशा भाभी को ड्राइवर लेने आ जाएगा घर की तरफ जाते हुए एक अजीब सी सरसारी की कैफियत इसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी किसी एक दिल में ही सही वो जरगुल के लिए एहसास पैदा करने में कामयाब हो चुका था लेकिन अभी उसके लिए बहुत सी मोहब्बतें जमा करनी थी इतनी कि इन मोहब्बतों के एवज़ वो अपने सारे गम भूलने पर मजबूर हो जाए और जब वो हँसना और खुश रहना सीख जाएगी तो वो जानेगी मैसम अब्बास कास्मी की अनमोल मोहब्बत तो ज़िंदगी से भी बढ़कर कीमती थी और फिर वो तमाम खदेशे भुलाकर हमेशा के लिए उसकी बाहों में चली आएगी। कितने बहुत से ख्वाब थे जो उस एक कामयाबी ने मैसम अब्बास कासमी की आंखों में सजा दिए थे और गेट से गाड़ी अंदर करते ही इसकी सरसारी में कई गुना इजाफा हो गया क्योंकि बिल्कुल सामने वो दुश्मन जहाँ मौजूद थी लोन की घास पर आलती पालती मारे सामने किताबों और नोट्स का ढेर लगाए वो पूरी तवज्जो से पढ़ने में मसरूफ़ थी उस दिन के बाद से मैसम ने इससे बातचीत बिल्कुल छोड़ रखी थी और वो ऐसी कठोर थी कि इसने खुद से एक बार भी मैसम को मुखातब ना किया पता नहीं वो हर लम्हे महसम से किस महाज आरई में मुबतला रहती थी इंसान सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन होता वही है जो कातब तकदीर ने तय कर रखा होता है महसम ने उसे जहीर अब्बास काजमी से बात करने के लिए कहा था लेकिन वक्त क्या चाल चलने वाला है इससे वो दोनों बेखबर थे उस शाम काजमी हाउस में बहुत अरसे बात कह कहे गूंजे थे तहरीन के आने की खुशी में उन सब ने जैसे अपने दुखों से नज़र चुराने के लिए ये मौका तरतीब दिया था बाबा के अलावा वो सब तो मौजूद थे अम्मी जूफशा भप्पो जैगम भाई पलवशा भाभी और रोशना तहरीन के मज़े मज़े के किस्सों में वक्त तेज़ी से गुज़रता जा रहा था लेकिन वो सब हर फिक्र से बेनयाज खुशकबियों में मसरूफ़ थे सिवाय मैसम के सबके साथ बातें करते करते उसकी नज़र बार बार जरगुल की तलाश में भटक जाती हालांकि वह जानता था कि जरगुल कभी भी इस खुशगवार माहौल में तलखी घोलने यहाँ नहीं आएगी लेकिन इस ज़िद्दी दिल का क्या करता तहरीम की किसी बात पर सबका मुशतरका कह कहाँ गूँजा था और इसी वक्त फ़ोन की बेल बच उठी उन सब में से कोई भी मतवज़ा नहीं था इसीलिए मैसम को उठना पड़ा एक्सक्यूज़ मी क्या आप सब खामोश होंगे मुझे दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही मैसम चिल्लाया था और सब यूँ खामोश हो गए जैसे मैसम के हुक्म के इंतज़ार में हों ओ जहीर चाचू जी चाचू यहाँ सब ठीक है आपको पता तो है जहाँ तहरीम मौजूद हो वहाँ खैरियत ही रहती है तहरीम की तरफ शरारत से देखते हुए वो जहीर चाचू से कह रहा था उसकी शरारत पर सब के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और दूसरी तरफ से जहीर अब्बास कासमी ने पूछा था क्या तुम्हारे करीब भाभी मौजूद हैं मैसम जी हाँ ले अम्मी चाचू आपसे बात करना चाहते हैं उसने रिसीवर अम्मी को पकड़ाया और अपनी जगह पर वापस आ बैठा जी तेरा रहो तुम कैसे हो हाँ सभी तो हैं क्या स्पीकर ऑन कर दूँ अम्मी जहीर अब्बास कासमी के सवालों के जवाब देती चौंकी थी और फिर उन्होंने टेलीफोन सेट सेंट्रल टेबल पर ला रखा और स्पीकर ऑन कर दिया बोलो जहीर मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है भाभी इस वक्त क्या यहाँ सब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जहीर अब्बास काजमी की गंभीर आवाज़ उभरी थी और वो सब पूरे देहांत से उनकी तरफ मतवह हो गए सबके दिल में यही बस जागा जाने क्या होने वाला है क्योंकि आज से पहले जहीर अब्बास काजमी ने कभी यूँ सबसे एक साथ मुखातिब होने की जाहिर नहीं की थी हाँ जहीर हम सब तुम्हें सुन रहे हैं बोलो ना बेटा क्या हुआ है तुम ठीक तो हो हमारे दिल तो हॉल रहे हैं अरे परेशानी वाली कोई बात नहीं अच्छा ये तो बताइए आपके साथ कौन कौन मौजूद है उन्होंने जैसे टालने की कोशिश की ये क्या मजाक है जहीर मैंने कहा ना सब हैं सिवाय तुम्हारे भैया के वो एक सेमिनार के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हैं तुम प्लीज़ भाभी मेरी खातिर सबके नाम लेकर बताइए कौन कौन है इस वक्त आपके साथ अम्मी की झुंझलाहट के बावजूद वो पजिद रहे तो अम्मी को ही हार माननी पड़ी मेरे सामने जूफशा है उसके साथ जैगम बैठा है रोशना है पलवशा चाय बनाने जा रही थी लेकिन तुम्हारे फोन का सुनकर वो भी हैरान खड़ी है तहरीन भी है और उसके साथ घुटने से लगा तुम्हारा लाडला मैसम भी मौजूद है तुम्हें कौन चाहिए अच्छा ये बताइए जरगुल कहाँ है जहीर अब्बास कासमी ने इंतहाई नॉर्मल अंदाज में पूछा था लेकिन वहाँ मौजूद हर शख्स अपनी जगह सुन ही तो रह गया भला किस में इतनी हिम्मत थी कि जहीर अब्बास काजमी के सवाल का जवाब देता सब पर छाए सन्नाटे को जहीर की आवाज़ ने ही तोड़ा भाभी प्लीज़ आज खामोश ना रहिए आप सबकी इस खामोशी ने बरसों पहले मुझे हमेशा के लिए तन्हा कर दिया था आपकी खामोशी ने मेरे अंदर भी हिम्मत ना पैदा होने दी कि मैं अपने साथ होने वाली ज्यादती की शिकायत करता किसी को मुजरिम ठहराता बरसों से मेरे अंदर आप लोगों की उस वक्त की खामोशी ने डेरा डाल रखा है और अब एक बार फिर मेरे साथ वही सब दोहराने जा रहे थे भाभी आपसे सबसे ज़्यादा शिकायत है मुझे मेरी खातिर अपनी लाडली बहन की खुशी गम से तो मुंह फेर लिया आपने और आज उसी की बेटी को अपने घर का हिस्सा बना लिया आपने जहीर चाचू के अल्फाज पर मैसम तो दंग ही रह गया वो इस बात को इस रंग में भी ले सकते हैं ये तो उसने सोचा तक ना था नहीं सहीर वो यहाँ तुम्हारे भैया की मर्ज़ी से रह रही है अम्मी ने तड़प कर कप कपाते लहजे में देवर की बदगुमानी मिटाना चाहिए भैया की मर्ज़ी इस बार भी उन्हीं की मर्ज़ी क्यों भाभी आपकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है भैया की मर्ज़ी हर बार आपका दिल कैसे मान लेता है भैया की मर्जी थी तो अस्मा का गलत फ़ैसला चुपचाप मान लिया भैया की मर्ज़ी पर उसे हमेशा के लिए बेआसरा कर दिया और अब भैया की मर्ज़ी पर उसकी बेटी को अपना लिया अपने घर में जहीर मैं भाभी प्लीज़ मुझे बोलने दें आज वर्षों बाद तो मेरी खामोशी टूटी है और जानती हैं मेरी खामोशी की वजह असमा थी मैं सोचता था शायद भैया का फ़ैसला दुरुस्त था उसे जिसे आप सब जान से भी अजीज़ रखते थे उसे आपने किसी गलत हाथ में तो नहीं सौंपा होगा लेकिन मैं नहीं जानता था आप लोग इतने बेहिस हो गए थे भाभी भैया हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके हर फैसले की मैंने इज़्ज़त की है लेकिन असमा के साथ आप सब ने बहुत बुरा किया उसे अकेला कर दिया आप लोगों ने ना भैया ने उस पर कोई मान जताया और ना आपने वो जो जूँ, जूँ बोल रहे थे उन सब पर उनके अल्फाज का मफहम खुलता जा रहा था अम्मी की आंखों से जारों की तार आंसू बह रहे थे और वो कह रहे थे भाभी आप सभी ने उसे लाड प्यार इतना प्यार दिया हर आज़ादी दी और फिर एकदम से ही सब किनारा कश हो गए तो इसे तो यूं ही भटकना था किसी ने उससे भी तो उसके मसाइज पूछे होते बेशक उसके इस कदर भटक जाने में मेरा किरदार भी बहुत बड़ा है लेकिन भाभी आपने तो उसे उसकी अपनी नज़रों में ही गिरा दिया भाभी ज़ूफ़ी तुम भी सुन रही हो ना मुझे आज मैंने अपनी मौत की दुआ मांगी है भैया यूँ मत कहें जुबशा भुप्पो की उन अल्फाज ने जैसे जान ही निकाल ली हाँ ज़रा भी अच्छा नहीं लगा मुझे तुम्हारा यूं परवाह करना मैंने आज जो मंजर देखा है इससे तो कहीं बेहतर था काश काश मैं मर गया होता भाभी मैंने आपकी अस्मा को इस कदर ख़राब हालत में देखा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी है भाभी उसके सयाह गने बाल जिन पर जाने आप क्या क्या हरबे आजमाया करती थी सफ़ेद हो चुके हैं भाभी उसकी आँखें जो ज़िंदगी का एहसास दिलाती थी इनमें मौत से भी ज़्यादा खौफनाक सन्नाटा छाया महसूस हो रहा था डॉक्टर्स ने बताया अब वो पहले से बेहतर हालत में है लेकिन जूफी वो बोल नहीं सकती हाथ पाँव नहीं हिला सकती हमारी बेहिसी ने इस लम्हे हस्ती गांति प्यारी सी लड़की को मार डाला हैदर उसका बहुत ख्याल रख रहा है लेकिन उसकी एक नज़र में मैंने पढ़ लिया कि कितने दुख सहे हैं उसने मुझे देख कर उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे अब तुम ही बताओ जूफ़ी जिसे हमेशा मुस्कुराते ही देखा जिसकी खुशी के एहसास में सारी ज़िंदगी गुजार दी क्या उसकी आंखों में आंसू देख कर मौत के लिए जिद दिल ज़िद नहीं करेगा जहीर अब्बास काजमी ग्लूगीर लहजे में बहुत हिम्मत से बोलते चले जा रहे थे इस लम्हे वो जिस क़यामत की जद में थे इसे महसूस करके उन सब की आंखें अश्क पार थीं अपने हर दर्द को छुपा कर रखने वाले जहीर अब्बास कासमी दुख की किस नहज पर थे कि खुद पर बांधी तमाम बंदिशें तोड़ते वो खुद भी बीते लम्हों पर मातम गुना थे और उन सब को भी रुला रहे थे कुछ लम्हे दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी छाई रही सिर्फ आंसू थे और बहुत सी यादें फिर जहीर अब्बास कासमी ज़रा साखन खा रहे थे शायद उन्होंने इन लम्हों में एक बार फिर खुद पर काबू पा लिया था लेकिन कोशिश के बावजूद वो अपने लहजे में छुपे आंसुओं की आमेजिश ना छुपा पाए भाभी भैया उससे बहुत प्यार करते हैं देखिए इस बार भी उसकी फरमाइश बिना कुछ कहे मान गए उसकी बेटी को बिना कुछ पूछे घर में जगह दे दी महसम ने बताया है मुझे जरगुल ने आपको कुछ नहीं बताया भाभी को बोल नहीं सकती लेकिन आप लोगों की आवाज़ें सुनकर शायद उसे फिर से ज़िंदगी से प्यार हो जाए बेशक इस बार भी फैसला भैया की मर्ज़ी पर छोड़ दें लेकिन हमारा कफारा यही होगा कि हम सब उसे तन्हाई का एहसास ना होने दें और हाँ उसकी बेटी को भी बहुत प्यार दीजिएगा ताकि वो अस्मा को बता सके किसमी हाउस के लोग आज भी मोहब्बत करना जानते हैं बस और क्या कहूँ अल्लाह हाफिज़ जहीर अब्बास का ने साफ लफ्ज़ों में अपनी ख्वाहिश का इजहार करके सिलसिला मुन कर दिया था लेकिन अम्मी को इतना होश तक ना था कि स्पीकर ऑफ कर देती सभी अपनी सोचों में महब थे मैसम आहिस्तगी से उठा और अम्मी के करीब झुकते हुए स्पीकर ऑफ़ करते वो जूँ ही सीधा हुआ उसे ठिठक जाना पड़ा पता नहीं वो कब से यहाँ मौजूद थी उसकी सियाह आँखों के किनारे भीग रहे थे नेक्स्ट सीन सुनो खाला तुम इस रबते को कुछ भी नाम दो भरोसा एतमाद दोस्ती या ऐसा ही कुछ मैं तो इसे मोहब्बत ही कहूँगा आज पहली बार उसके इजहार के जवाब में जरकुल ने उसे टोकने की अपनी बड़ाई जुटाने की कोशिश नहीं की थी बल्कि बहुत खामोशी से सर झुकाते हुए उसने अपनी तमाम तरतव मैसम पर से हटा ली मैसम को उसके गुरेज का ये नया अंदाज़ भी बड़ा चैलेंजिंग लगा मैसम से बचने का वह हर बार नया तरीका निकालती थी और मैसम को उस लम्हे का इंतज़ार था जब उसके पास गुरेज के तमाम हरबे ख़त्म हो जाने थे तब भला मोहब्बत के सिवा उसे कहाँ पना मिलनी थी और फिर जब वो फ्रेश होकर नीचे आया वो तब भी उसी पोज में सर झुकाए जाने की इस के सफ़र पर थी चलें उसके करीब रुकते हुए मैसम ने शोक लहजे में पूछा तो वो आहिस्गी से सर हिलाती खड़ी हो गई मैसम तेज़ी से उसके बराबर हुआ तो उसने एक खफा सी नज़र मैसम पर डाली लेकिन किसी खुफगी का असर ना लेने का तहिया मैसम पहले ही कर चुका था तो फिर ज़र गाड़ी रास्ते पर डालते वो एक बार फिर उसकी तरफ मतवचा हुआ तो ज़र यूँ चौंकी जैसे पता नहीं मैसम ने क्या पूछ लिया हो अरे तुम इतना क्यों डर गई हो मैं तो ये पूछ रहा था तो फिर तुम खुश हो अब मैसम ने इसके उड़े हवासों का मजा लेते हुए बात बनाई तो वो एक गहरा सांस लेते हुए गोया हुई हाँ यूँ लगता है अब कोई टेंशन बाकी नहीं रही कल बाबा के लौटते ही खाला अम्मी उनसे बात करेंगी और फिर मॉम से ओह मैसम मॉम कितनी खुश होंगी और उनको ये खुशी मैं तो शायद कभी ना दे पाती अगर तुम ना होते वो बेसाख्ता कह गई तो मानती हो ना मैसम अब्बास काजमी का जादू ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मैंने कुछ सोचा हो और वो मुझे मिला ना हो वो मगरूर सा बोला तो जरगुल के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई मैसम की सलाहियतों से तो उसे इनकार ना था बहुत ख़ुद पसंद हो रहे हो याद रखो मिलता वही है जो नसीब में लिखा होता है वो बुजुर्गाना मतानत से बोली तो मैसम दिल ही दिल में पेचो ताप खाकर रह गया किसी न किसी सूरत वो अपनी करनी कर ही जाती थी बेशक लेकिन अगर नीयत सच्ची हो और इरादा मजबूत हो तो नसीब बदला भी जा सकता है देखो सर इस वक्त मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ मैं किसी बहस में उलझना नहीं चाहता मैसम ने बड़ा ताक कर निशाना लगाया एक्सक्यूज़ मी तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुमसे बहस में उलझना चाहती हूँ अफकोर्स मैं ऐसा ना कहूँ तो भी हकीकत तो यही है ज़रा मैंने तुमसे बात की नहीं और तुमने बहस शुरू कर दी हद से ज़्यादा झगड़ालू हो तुम मैसम ने फैसला कुल अंदाज़ में कहा तो वो इस लकअ पर तड़प ही तो गई सारी बेनियाजी बुलाई वो झटके से उसकी तरफ मुड़ी मैं झगड़ालू हूँ या तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं गुस्सा दिलाने वाली दूसरों को इल्जाम देने से पहले इंसान को ना अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए तुम खुद को कोई बहुत ही तोप चीज समझते हो अब देखो झगड़ा कौन शुरू कर रहा है झगड़ा तुम करो या मैं। बात तो एक ही है वैसे क्या बात है सर हम कुछ ज़्यादा ही झगड़ा नहीं करते शायद मोहब्बत बहुत बढ़ जाए तो झगड़ा भी शट अप मैसम गाड़ी रुको मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना मैसम की बात समझते हुए वो चिल्लाई तो उसके झुंझुलाने पर मैसम हंसने लगा अब इतने मैनर्स तो हैं मुझ में किसी को बीच रास्ते में छोड़ देना मेरे लिए मुमकिन नहीं रास्ता चाहे ज़िंदगी का हो या मोहब्बत प्लीज़ मैसम तुम्हारी तान इसी एक लफ्ज़ पर आकर ही क्यों टूटती है मोहब्बत के मायने भी जानते हो क्या मैसम की बात काटते हुए वो शायद किसी लेक्चर के मूड में थी लेकिन आज मैसम उसे बोलने का मौका नहीं देना चाहता था तभी बेनियाजी से शान उछकाते हुए गोया हुआ नहीं मायने का तो पता नहीं लेकिन मोहब्बत करना ज़रूर जानता हूँ इतना मालूम है कि तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ तो रोम रोम में आग दहक उठती है दिल चाहता है सारे चहान की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूँ और तुम सिर्फ मुस्कुराओ पता नहीं मोहब्बत की तारीफ क्या होगी लेकिन इतना इल्म है सर तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारी आँखों में जलती रोशनियाँ मुझे तमाम कायनात के अंधेरे मिटाती महसूस होती हैं मैं बहुत लापरवाह हूँ लेकिन तुम्हारी परवाह ने मुझे हर लम्हे बेसुकून कर रखा है शायद तुम्हें ये मोहब्बत ना लगे कि तुम्हारे ख्याल से तो मुझे मोहब्बत के मायने भी नहीं मालूम लेकिन मैंने इस इल्मी में भी मोहब्बत को हर लम्हे खुद पर मेहरबान पाया है मुझे लगता है सर मोहब्बत के हसूल के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता हूँ अभी मैंने तुम्हें बताया ना मैं जो चाहता हूँ पा लेता हूँ तो इसकी वजह मेरा मोहब्बत पर भरोसा है और मोहब्बत को तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि मैं उसके मायने नहीं जानता सम तुम हाँ मैं जानता हूँ मैं तुमसे एक वर्ष तीन माह छोटा हूँ और मुझे तुम्हारे तो बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये या ऐसी ही कोई बात कहने वाली हो ना लेकिन फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब मैं इस हकीकत को मानूँ देखो मैं अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर चुका हूँ और तुम अभी तक पढ़ रही हो इस तरह ये क्या सबूत हुआ मैंने अपने तीन साल ज़ाया किए हैं और तुम एक बात बताओ सर अगर ये उम्र का फ़र्क ना हो तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी जरगुल की बात काटते हुए उसने गंभीर लहजे में पूछा और बस जरगुल की सारी तरारी हवा हो गई मैसम अब्बास काजमी के जज्बों में गुंधे लहजे ने इसे डिंग कर दिया वो चाह कर भी कोई जवाब ना दे पाई और मैसम से बचने के लिए वो चुपचाप रुख फेर गई तो मैसम अपना बेसाख्ता कह कहा ना रोक पाया नेक्स्ट सीन शुक्र है तुम लोग आए तो मुझे तो लग रहा था मेरे ससुराल वाले मेरी बारात ले जाएंगे तो तुम पहुंचोगे। रुशना इन लोगों को देखते ही चिल्लाई तो क्या आज कुछ ऐसा प्रोग्राम है ओह काश हम कुछ और लेट हो जाते महसम ने मज़े से तहरीम के पास अपने लिए जगह बनाते हुए रोशना को छेड़ा तुमसे कौन बात कर रहा है मैं तो गुल से कह रही थी कि इसे क्या ज़रूरत थी तुम्हारा इंतजार करने की पलवशा भाभी ने कहा भी कि ड्राइवर भेज दें लेकिन वो मेरे जैसे खबरू इंसान के होते हुए ड्राइवर के साथ आती माफ़ करना रुशना मेरी ज़र तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है वो इंतहाई फखरिया अंदाज में बोला था लेकिन उसके मेरी ज़र कहने पर जरगुल की आंखें फटी ही तो रह गईं लेकिन तहरीम पलवशा भाभी और रुशना के चेहरे पर इस फिक्र से मुतलिक कोई मायने गज़ी ना थी मैसन ने मुस्कुरा कर उसकी उड़ी रंगत को देखा और शरारत से आँख मार दी और इस हरकत ने तो जैसे जरगुल की जान ही निकाल दी मैसम का अच्छा मूड उसे काफ़ी महंगा पड़ रहा था खाला अम्मी और जूफशा पुप्फो कहाँ हैं? खड़े होते हुए उसने पलवशा भाभी से पूछा बज़ाहिर वो मौजू बदलने के लिए कोशाँ थीं लेकिन इसकी गंदमी रंगत में गुलती सुर्खियाँ और ही कहानी सुना रही थीं। गंगोर घटा की मानद स्यापल के हिजाब से कभी गिरटीं और कभी उठती दिल के सकूत में हलचल मचाने लगीं तो मैसम ने मुस्कुराते हुए नज़र का जाविया बदल लिया शरारत अपनी जगह लेकिन वो इस ज़िद्दी सी लड़की को सब के सामने उड़े हवासों और घबराए चेहरे के साथ देखने का ख्वाहिशमंद हरगिज न था वो दोनों ख़वान इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए किचन तक गई हैं आखिर मेरे ससुराल का मामला है भाई रुशना ने उसके सवाल का इतराते हुए जवाब दिया तो वो बिना किसी की तरफ़ देखे तेज़ी से किचन की तरफ चला गया बहुत बदतमीज़ हो तुम उसके जाते ही तहरीम ने मैसम के शाने पर थप्पड़ मारा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा वो तो समझा था उन दोनों के बीच की मायनी खेजी को किसी ने नोट नहीं किया लेकिन बिल्कुल तहरीम आप ही इसे समझाएं अब ये आँख मचोली बंद करे और कोई हतमी कदम उठा ले पलवशा भाभी ने भी उसे लताड़ा किस सिलसिले में रोशना की आवाज़ पर वो तीनों एक साथ चौंके रोशना उनकी गुफ्तू पर उलझी सी उन्हें देख रही थी तुमको इससे क्या मतलब मैंने कभी तुम्हारे किसी सिलसिले में सवाल उठाया है फिर तुम हाँ तुम तो नक ही बहुत हो मैसम की बरहमी पर रोशना का चिड़ना लाजमी अमर था कृष्णा का ध्यान बदलने पर तहरीम और पलवशा भाभी ने पुरसकून होकर एक दूसरे की तरफ देखा जबकि मैसम शुरू हो चुका था अफकोर्स आई एम नेक मैं एक फरिश्ता हूँ जिसे खुदा ने तुम जैसों की हदायत के लिए आसमान से उतारा है इसी खुदा का खौफ कर लो मैसम अभी क़यामत आ जाएगी और मैं शादी से पहले मरना नहीं चाहती अपना बयान फ़ौरन वापस लो रोशना कब उससे कम थी तोपा क्या समाना आ गया आज कल की लड़कियाँ कैसे बेहयाई से अपनी ही शादी का ज़िक्र करती हैं वैसे अब तुम्हारी ससुराल वाले क्या करने आ रहे हैं क्या शादी की डेट फिक्स करने मेरे ससुराल वाले तुमसे मिलने नहीं आ रहे हैं कि तुम अपसेट हो रहे हो असल के बड़े भैया की कुछ अरसे कबल ही शादी हुई है और वो दोनों कल ही हनीमून से लौटे हैं इसीलिए मम्मा ने उन्हें डिनर पर इनवाइट कर लिया और रही मेरी डेट फिक्स होने की बात तो वो तभी फिक्स होगी जब छोटे मामू वापस आएंगे रोशना तमाम तफसील सुनाकर कतई लहजे में बोली तो वो सब चुप ही तो रह गए जो कुछ हो चुका था इसके बाद सबको यही उम्मीद थी कि रोशना अपनी ज़िद भूल चुकी होगी लेकिन जहीर अब्बास कासमी की वापसी जैसे उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुकी थी ओह लगता है मेहमान आ गए माहौल पर छाए सुकून को रोशना की आवाज नहीं तोड़ा रोशना अब क्या उनको लेने भी तुम जाओगी अंदर जाकर मम्मा और ममानी को भेजो पलवशा भाभी ने उसे बाहर की तरफ बढ़ते देख कर डांटा तो वह शर्मिंदा सी अंदर की तरफ बढ़ गई बच्ची है बिल्कुल तहरीम उसकी हरकत पर हंसती। नेक्स्ट सीन ये सब मेरी वजह से हुआ मैंने तो कितना आसान समझा था इस बात को मेरा ख्याल था खाला अम्मी ने माम को माफ़ कर दिया है तो बाबा भी खाला अम्मी ने उन्हें सब कुछ बताया शहीर की बातें मोम की हालत लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे थोड़ी ही देर बाद उनकी रंगत जर्द पड़ती गई उन्हें सीरियस अटैक था इन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा मेरी वजह से पागल नहीं बनो गुल बाबा को कुछ नहीं होगा मैं जब से आई हूँ तुमने यही तकरार लगा रखी है मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूँ ना ही कभी मैंने मोम की इतनी परवाह की थी लेकिन घर से दूर होकर मैंने हर वक्त मोम को याद किया है जब मैंने जाना कि अरसल की शादी उस फैमिली में हो रही है तो मुझे लगा शायद ही कोई मुआवज़ा है मैंने फैसला कर लिया था मैं उस दिन मोम से मिलूंगी जब ये लोग उन्हें माफ़ कर देंगे अरकम के इसरार पर भी मैंने तुम लोगों से रब्ता नहीं किया और जब उनके दरमियान तुम्हें देखा तो मुझे यकीन आ गया कि खुदा भी यही चाहता है क्या हमारी मॉम अब अपनों की मोहब्बतों में वापस लौट आए लेकिन लेकिन तुम्हारी बहन इस एक बात को समझ ले तो सारे मसले हल ना हो जाएं। महसम ने कमरे में दाखिल होते हुए जरबख्त का फकर काटा तो वो दोनों हैरान से उसे देखे गई अब बस भी करो यार नज़र लग जाएगी मुझे इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है मैं काफ़ी देर से तुम लोगों की बातें सुन रहा था मुझे अम्मी ने भेजा था तुम दोनों को लेने के लिए अस्पताल में तुम लोगों की एमरजेंसी ज़रूरत बाबा तो ठीक है ना मैसम की बात पूरी होने से पहले वो हड़बड़ा कर बोली तो मैसम पूरी तवज्जो से उसकी तरफ हुआ देखो भक्त मुझे तुम्हारी तमाम बातों से इतफ़ाक़ है सिवाय एक के ये जो तुमने अभी इन मोहतरमा को समझदार कहा ना वो बिल्कुल गलत है हर वक्त छोटी छोटी बात पर रोने वाला भला कब समझदार होता है उसकी सियाह गंग आंखों में शरारत से देखते हुए वो जरबक से मुखातिब हुआ नहीं आप नहीं जानते मैसम कुल कितनी हिम्मत वाली है इसने बहुत सहे हैं ओहो हो बाकी तमाम बहस बाद में होगी पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हें किसने ये इजाज़त दी कि तुम मेरा नाम लेकर पुकारो जरबख्त का रंग उसके दुरुस्त लहजे में पूछे गए सवाल पर उड़ गया सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो बिल्कुल बुरा लगा तुम जर से छोटी हो ना। इस नए सवाल पर जरबख्त सिर्फ सर हिला सकी जबकि ज़रगुल मैसम की इस बेमकसद तकरार पर इसे घूरे जा रही थी ओके ज़र से छोटी हो तो इस रिश्ते से तुम मुझे मैसम भैया या भाई साहब बुलाओ तो बेहतर होगा नहायत मुदा, मुदा अंदाज़ में उसने हुक्म सादिर फरमाया जिसे ज़र वक्त ने ना समझने वाले अंदाज में मान लिया लेकिन जो इस हुक्म की गहराई को समझ गई थी उसकी रंगत में घुलते ग़ुस्से के रंग मैसम को मज़ा दे रहे थे मैसम तुम तुम्हें बाबा की बीमारी की भी परवाह नहीं इस वक्त भी मस्ती सूझ रही है अब भला मैं परवाह क्यों करूं तुम जो आ गई हो मेरे बाबा की परवाह करने के लिए चलो अगर रोने धोने से फुर्सत मिल गई हो तो बाबा ने तुम्हें याद किया है उनका दिल भी अब तुम्हारे बगैर नहीं लगता उस की खबगी को ज़रा भी खातिर में लाए बिना मैसम ने भी पर ख़ासा ज़ोर दिया मैंने तो पहले ही खाला अम्मी से कहा था मैं घर नहीं जा रही लेकिन अब बाकी का लेक्चर उन्हें जाकर सुनाना मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है चाबी लहराता वो बाहर आ गया थोड़ी देर बाद जरबक़्त और वो चली आई तुम मेरे साथ बैठो बख्त, मुझे बदमज़ा लोगों की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है मैसम ने इस कदर फुर्ती से ज़रब्ख़्त के लिए दरवाज़ा खोला जैसे ज़रगुल तो उसके साथ बैठने के लिए मरी जा रही हो तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चेंक रहे हो गाड़ी स्टार्ट होते ही जरगुल ने नागवारी से कहा तो वो मुबिम से अंदाज में हंस दिया तुम तो हो ही मेरी हंसी की दुश्मन और अब प्लीज़ मुझे वक्त से बात करने दो हमारी लड़ाई तो तमाम उम्र चलती रहेगी वो उस पर तीर छोड़कर मैसम जरबख्त की तरफ मतवजा हुआ हाँ वक्त तो हम क्या बात कर रहे थे कि तुम्हारी बहन समझदार है या नहीं अगर तुम कहती हो कि वो समझदार है तो मुझे इसकी कोई मिसाल दो वो इतनी समझदार है कि इसकी कोई मिसाल नहीं जरबख्त ने मुस्कुराते हुए अपनी तरफ से मैसम को लाजवाब करना चाहा अगर तुम कहती कि वो इतनी दिलदार है कि इसकी कोई मिसाल नहीं तो मैं ज़रूर तुमसे इतफ़ा करता जानती हो इस ज़रा से अरसे में उसने अपने वजूद से उन दिलों में रोशनी भर दी है जहाँ सिर्फ नाउमीदी और मायूसी के अंधेरे थे बरसों से मैंने इसे कभी भी किसी से बात करते नहीं देखा लेकिन अब जिससे बात करो उसके ऊँचों पर इसकी बातें हैं मुझे तो लगता है वो कैंसर की तरह चुपचाप हमारी रगों में समा गई है कि पहले तो एहसास ही नहीं हुआ और अब लास्ट स्टेज पर इससे छुटकारे का कोई रास्ता नहीं मैसम बेबसी से एतराफ़ कर गया तो उसके मोहब्बतों से गुंधे लहजे पर मुस्कुरा दी और मैसम तो जैसे किसी ट्रांस में था इसे तो जरगुल की खशमगी निगाहों का खौफ भी नहीं रहा था मैसम देखो इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन मैं नहीं अब तुम देखो क्या क्या कारनामे किए हैं तुमने मैसम ने उसे टोका और गाड़ी एक झटके से अस्पताल के सामने रोक दी गाड़ी रुकते ही वो मैसम पर एक घोड़ी डालती बाहर निकल गई अब आपके क्या इरादे हैं जर वक्त को यूं ही चुपचाप सर झुकाए बैठे देखकर कर मैसम ने पूछा इरादे तो नेक हैं मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुल से छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मोहब्बत के मामले में उससे कई सदियाँ बड़ी हूँ अब रहे आप तो इस रिश्ते से आपको मैसम भैया बुलाना है या भाई साहब ये मैं सोच कर बताऊँगी मायने खैजी से कहती ज़रूरत वक्त हंसती हुई चली गई तो मैसम को उसके जरगुल से मोहब्बत के मामले में कई सदी बड़ी होने पर यकीन हो गया आखिर बात क्या है मैसम तुम यूँ सनसनी क्यों फैला रहे हो कॉरिडोर में मैसम के बराबर होते हुए सरगुल अपने तजसस पर काबू ना पाकर खुरदरे से लहजे में उससे मुखातिब हुई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हें ही मेरी हर बात में मायनी नजर आते हैं आखिर बात क्या है खाला साथ? उसकी तरफ जरा सा झुकते हुए मैसम ने आंखें मटकाते हुए पूछा बहुत ही स्टूपिड हो तुम वो झुंझुलाती हुई तकरीबन भागती उससे फासले पर हो गई तो मैसम के होठों पर मायनी खैज़ मुस्कुराहट भी कर गई नेक्स्ट सीन चंद घंटों में ही तो सब कुछ बदल गया था बाबा को होश में आए आज तीसरा दिन था लेकिन इन तीन दिनों में उन्होंने किसी से भी कोई बात नहीं की डॉक्टर चेकअप करने आते तो उनके सवालों का भी बस हूँ हाँ में जवाब देते उनकी मुसलसल खामोशी सबके लिए बहुत तकलीफ देती थी खुदा के वास्ते अली अब इस खामोशी को ख़त्म कर दें मैंने नादानी दानी की जो अस्मा से रबता करने की ख्वाहिश कर बैठी आप एक बार मुझे माफ़ कर दें आइंदा भूल कर भी मैं अस्मा का नाम नहीं लूंगी। अम्मी की बर्दाश्त बस इतनी ही थी बाबा का हाथ थाम कर वो फूट फूट कर रो दी महसम से अम्मी की ये बेबसी देखी न गई लेकिन इससे पहले कि वो उठकर बाहर जाता दरवाज़ा खट से खुला और वक्त जैसे रुक गया तमाम रंजिशें तमाम दूरियां एक पल में फना हो गईं। जहिर असमा बाबा की आवाज़ पर मैसम को इस लम्हे की हकीकत का यकीन आ गया वो जो हमेशा चाह था आज हो गया तो ना जाने दिल क्यों भरोसा नहीं कर पा रहा था जहिर अब्बास काश्मी बाबा के गले लगे ना जाने कितने बरसों की थकन मिटा रहे थे फिर बाबा अपनी सेहत की परवाह किए बिना एक झटके से उठे और व्हील चेयर पर बेबसी से सिमटे इस वजूद को अपनी मुशफिक बाहों में ले लिया मुझे माफ़ कर दो अस्मा, तुम्हारी तकलीफ़ों का जिम्मेदार मैं हूँ बाबा के लहजे में गुले आंसू अस्मा के आंसुओं में रवानी ले आए बाबा ने मुड़कर अपनी जगह गेंग सी बैठी अम्मी को देखा बस्मा ये सच है हमारा जहीर लौट आया हमारी आसमां लौट आई उन्होंने अपने अली भैया को माफ़ कर दिया मेरी सज़ा ख़त्म हो गई बाबा की आँखों में खुशी भी थी और बीते दिनों के दुख भी थे शहर अब्बास कासमी ने बढ़कर अम्मी के हाथ थाम लिए तो उनके लम्ब पर वो जैसे ख्वाब से जागी सारी सख्ती सारे वादे एक लम्हे में ख़त्म हो गए वो तेज़ी से आसमां की तरफ बढ़ी अभी चंद लम्हे पहले तो वो अस्मा से कोई रबता ना रखने का दावा कर रही थी, लेकिन छोटी बहन की बेबसी सारी मजबूती तोड़ गई बस भाभी अब खुशी का वक्त है ये आंसू तो हमने हमेशा बहाए हैं अब हमें सिर्फ मुस्कुराना है अगर एहतसाब करने बैठे तो गुजरे वक्त में हम सभी कही न कहीं ना कहीं कसूरवार थे इसलिए बेहतर है पुराने किस्सों को छेड़ा ही ना चाहे जहीर अब्बाश काशमी अम्मी को असमा से अलग करते हुए नरमी से बोले और आहिस्तगी से अम्मी के आंसू साफ कर दिए है। हैदर कहाँ हैं जहीर? बाबा के सवाल पर सबकी हैरान नज़रें उनकी तरफ उठी थीं बेटी दामाद के बग़ैर आए तो फ़िक्र तो होती है ना बाबा शगुफ्त से मुस्कुराए तो माहौल पर छाई कसाफ़त यकबारगी ख़त्म हो गई वो आए तो हैं हमारे साथ लेकिन आपके सामने आने से डर गए मैं उन्हें लेकर आता हूँ जहीर अब्बास काजमी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए तो मैसम अपनी जगह से उठ कर असमां की धन सामने आ बैठा मुझसे मिलिए आपका डैशिंग भांजा मैसम अब्बास काजमी मुझसे मिलकर आपको यकीन खुशी होगी मैसम ने अपने मखसूस शरारती अंदाज में अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बड़े पुरशोक अंदाज में गोया हुई हाय आपा कितना प्यारा बोलता है मैंने तो इसे देखा ही नहीं मेरी दोस्त शाजपा ने बताया था मुझे कि आपके यहाँ जैगम का भाई आया है आपा मेरा जैगम कहाँ है वो कैसा है अब तो बड़ा हो गया होगा वाह मैं सामने बैठा हूँ और मेरी कोई अहमियत ही नहीं मेरा जैगम बड़े नहीं बुढे हो गए हैं वो दिस इज़ नॉट फेयर जानी मैसम ने खुबगी से कहा तो वो उसके हाथ थामकर उसे दीवानावार चूमते हुए रोने लगी खाला जानी सो पार क़ुर्बान तुझ पर मेरी जान इतने प्यार से तो कभी जैगम ने भी मुझे नहीं पुकारा होगा तब उसने नया नया बोलना शुरू किया था और हर वक्त मुझसे ही चिमटा रहता था जूफी की बेटी आपा जूफी कहाँ है मैसम को बहलाते बहलाते वो एक बार फिर बह गई तो मैसम खड़े होते हुए झुका और उनके माथे पर बड़ी मोहब्बत से प्यार करते हुए गोया हुआ अभी किसी का नहीं पूछें अम्मी और बाबा से बात करें मैं सबको इतला करके आता हूँ थोड़ी ही देर में सब आ जाएंगे। इतना कहकर वो बाहर की तरफ लपका लेकिन जहीर अब्बास काशमी और उनके साथ दाखिल होते हैदर खाकवानी को देख कर इसे एक बार फिर रुकना पड़ा हैदर खाकवानी अंदर दाखिल होते हुए एक लम्हे को झिझके लेकिन अगले ही लम्हे जब वो बाबा के सामने झुके तो बाबा ने तमाम रंजिशें बुलाकर उन्हें गले से लगा लिया और तुम्हें ये ख़बर देने मैं खुद आऊँगा ये हमारी कामयाबी है और इस खुशी के रंग तुम्हारे चेहरे पर देखने का पहला हक सिर्फ़ मेरा है सबको फ़ोन पर इन्फॉर्म करने के बाद उसने तस्वीर में इस दुश्मन जॉ को मुखातिब करते हुए सोचा था लेकिन जब उसे लेने पहुंचा, तो हस ऐसा रंग इख्तियार कर गई कि मैसम के पास उसे सरप्राइज देने के सिवा कोई चारा ना रहा और अब वो आसमां से चिमटी जारों की तार रो रही थी और तुम कहती हो बख्त, ये मोहतरमा समझदार हैं मैसम ने जर बख्त को देख कर सोचा जो खुद भी इस वक्त पूरी श्दोमत से रोने में मसरूफ थी बस करो बेटा और दोनों इधर मेरे पास आओ बाबा ने उन दोनों को अपने पास बुलाया तो वो दोनों आंसू बहाती उनके पास जा बैठी हैदर तुम्हारी दोनों बेटियाँ बहुत प्यारी हैं लेकिन ये जो गुल है ना इसमें तो जैसे कोई जादू है मैं इससे बात नहीं करता था लेकिन यह हर वक्त मेरे आस पास ही घूमती रहती थी और जानती हो आसमां गुस्से के बावजूद कभी कभी ये मुझे तुमसे भी ज़्यादा प्यारी लगने लगती थी मैं कभी इससे लाताल्लुक रह ही ना सका बाबा उसके कंधे पर बाजू फैलाए मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोल रहे थे ये तो आपने ठीक कहा भैया आज मैं यहाँ हूँ तो उसकी वजह भी यही गुड़िया है हैदर की बातों ने मुझे उससे बहुत मानूस कर दिया था कहते तो सब थे मैं वापस आ जाऊँ लेकिन जैसे उसने डांट कर मुझे वापसी का कहा तो मुझे लगा अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है जहीर अब्बास कास्वी ने भी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा सब खुश थे सबके होठों पर उसकी तारीफें थीं और मैसम का दिल खुशी से भरता जा रहा था यही तो उसने चाहा था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हों कि वो चाह कर भी कभी गुजरे दुखों को याद ना कर पाए तहरीन ने कहा था इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की हर मुमकिन कोशिश करो लेकिन आखिरी फैसला खुदा पर छोड़ दो और अब जब हर तरफ़ खुशियाँ थीं तो मैसम को आखिरी फैसले का इंतज़ार था नेक्स्ट सीन सहीर तहरीम दो दिन बाद हैदराबाद से लौटी थी और आते ही जो मंसर उन्हें देखने को मिला वो इन्हें हैरान करने को काफ़ी था तहरीम बिलीव मी, मैंने यहाँ आते ही तुमसे रबता करना चाहा था लेकिन ये मैसम इसने मुझे फ़ोन नहीं करने दिया चाचू कि क्या कह रहे हैं आप मैं भला क्यों रोकूंगा आपको तहरीम चाचू तो मैसम ने जानबूझ कर अब्बास कासमी को फंसाना चाहा लेकिन तहरीम का भरोसा बहुत मज़बूत था बकूमत मैसम मुझे पता है तुम्हारा जहीर तुम नहीं जानते तुम्हें यहाँ देख कर मुझे कितनी खुशी हो रही है अली भैया तो बहुत खुश होंगे ना कहाँ है वो तहरीम के लहजे से साफ जाहिर था कि जहीर अब्बास कासमी के यूं अचानक सरप्राइज़ पर उन्हें किस कदर खुशी मिली थी नीली आंखों में ढेरों रोशनियां भर गई थीं उनके रोम रोम से आया होती सरशारी ने मैसम को एहसास दिलाया कि मोहब्बत इंसान को कितना ख़ूबसूरत बनाने की ताकत रखती है तहरीम ने बात बदल कर खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करना चाहा लेकिन खुशी छुपाए न छुप रही थी बाबा का क्या पूछती हैं तहरीम वो तो जहीर चाचू को देखते ही अच्छे भले हो गए अगले ही दिन घर आने की ज़िद करने लगे अपने कमरे में हैं यकीन खाला जानी से गप्पे लगा रहे होंगे जैकम भैया ने मुस्कुराते हुए उन्हें तफसील से आगाह किया लेकिन खाला जानी पर वो चौंक कर जहीर अपास काी की तरफ़ देखने लगी। उनके चेहरे पर बिखरे रंग तहरीम को अजीब सी कैफियत में मुबतला कर गए देखा तहरीम आप सब छोटे मामू की वापसी की मेरी जिद पर मुझे टोकते थे ना लेकिन खुदा ने मेरी दुआ सुन ली छोटे मामू की दुआ तो मांगी ही साथ ही बोनस में असमा खाला को भी बिछवा दिया ताकि मेरी शादी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों रोशना ने पे आदत सारा क्रेडिट लेना चाहा तो मैसम भी पे आदत तड़प उठा उफ किसी न किसी बहाने इस लड़की को अपनी शादी का जिक्र छेड़ना ही होता है आइए तहरीम मैं आपको अपनी खाला जानी से मिलवाता हूँ मैसम ने तहरीम का हाथ पकड़कर इन्हें उठाना चाहा लेकिन इससे पहले जरगुल असमा खाकवानी की व्हील चेयर घसीटती हुई अंदर चली आई असल तहरीम कैसी हैं आप जरगुल ने उनका हाल अहवाल पूछने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन तहरीम ने जैसे उसे सुना ही नहीं उनकी नज़र असमा ख़ा पर टिकी थी फिर वो आहिस्तगी से उठीं और आसमा खाखवानी के करीब जाकर रुक गईं असलम लेकुम मैं तहरीम हूँ आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको बरसों से जानती हूँ जब से जहीर से दोस्ती हैं तब से तहरीम आसमा खाखवानी के सामने सोफ़े पर टिकते हुए तारुफ की सभी फ़ॉर्मेलिटीज़ ख़ुद ही खत्म कर गईं तो मैसम खुद सोचते हुए उठा और जरगुल को बाहर आने का इशारा करते हुए बाबा के कमरे की तरफ चला आया क्या हुआ जरगुल आई तो बहुत झुंझुलाई हुई सी थी लेकिन मैसम की संजीदगी ने उसे परेशान सा कर दिया बाबा सो रहे हैं क्या नहीं अभी जब मैं और मोम यहाँ से गए थे तो वो खाला अम्मी से बातें कर रहे थे हुआ क्या है कुछ बताओगे भी क्या पहले तुम ये बताओ तुम्हें तहरीम कैसी लगती है क्या ये क्या बेहुदा सवाल है बेहुदा नहीं संजीदा सवाल है मेरे ख़्याल से जहीर चाचू बहुत आज़ाद फिर लिए अब उनके पाँव में मोहब्बत की बेड़ियाँ डाल देनी चाहिए मैसम की तजवीज़ पर एक लम्हे के लिए तो उसका मुंह खुला रह गया हाँ आइडिया तो बुरा नहीं लेकिन मेरा ख्याल है तुम मुझे इस मामले से अलग ही रखो तो बेहतर है तुम खुद शट अप तुम मेरे किसी मामले से अलग नहीं रह सकती तुम जानती तो हो तुम्हारे बगैर अब मुझसे कुछ नहीं होता महसम ने ज़रा सजुक कर उसकी आंखों में देखते हुए बड़े जज्ब से कहा अब तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे जहीर के हाथों मरना नहीं है मरोगी तो तुम मेरे हाथों से और ये तुम जहीर चाचू को नाम से क्यों पुकारती हो किसी रिश्ते से क्यों नहीं पुकारती क्या बुलाऊं हमारे बीच कहाँ कोई रिश्ता है वो बहुत मासूमियत से आंखें पटपटा कर बोली तो मैसम को उस पर टूट कर प्यार आया उसके बिजाने कितने रूप थे कभी ज़िद्दी और संग दिल नज़र आती और कभी मासूमियत और भोलपन से दिल में हलचल मचा कर रखती थी क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो मैसम को यक टुक देखते पाकर वो लहजे में सख्ती समोते हुए उसे टोक गई देख नहीं रहा सोच रहा हूँ रिश्ता तो है लेकिन तुम मानती नहीं हो देखो अब खफा मत होना मैं एक नए काम करना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ हो मैसम ने मान भरे लहजे में फ़ैसला सुनाया तो वो उसे यूँ घूर कर रह गई जैसे मैसम का यूँ मान जताना उसे बुरा लगा हो ये नहीं कि तुम जिनके साथ करना चाहते हो क्या उनसे भी पूछा है बाबा से बात करने तो चल पड़े लेकिन तहरीम और जहीर तहरीम की तरफ से तो बरसों से हाँ है अब देर मत करो कहीं बाबा सो ना जाएं। उसे मज़ीद सवाल उठाने का मौका दिए बग़ैर मैसम दरवाज़ा खोल कर बाबा के कमरे में दाखिल हो गया तो वो भी मरे मरे क़दमों के साथ आ गई आओ बच्चों खैरियत दोनों किस मिशन पर निकले हो बाबा तकिए के साथ टेक वो अम्मी तहरीम आई हैं आपका पूछ रही थी मैसम की समझ में ना आया बात कैसे शुरू करे तो अम्मी को तहरीम की आमद की इतला देने के बहाने बात का आगाज़ किया आया तो बहुत बहादुर बनकर था लेकिन बाबा के सामने सारी हिम्मत जवाब दे गई साफ कहो बेटा अम्मी आप जाएं हमें बाबा से प्राइवेट बात करनी है अम्मी मुस्कुरा कर बोली, तो मैं सम गड़बड़ा कर रह गया अम्मी के जाने के बाद बाबा गोया हुए तुम इधर मेरे पास बैठो गुल बेटा और ही बताओ बात क्या है ये नालायक कुछ नहीं कह पाएगा सब कहते हैं ये बहुत बोलता है लेकिन मेरे सामने आकर तो इसकी गुग्गी बंद हो जाती है शायद बेटा गलती मेरी ही थी मैंने ही अपने दोनों बेटों को अपने करीब नहीं आने दिया लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दोनों ने अपने बलबूते पर मेरी से भी बढ़कर तरक्की की है अरे मेरे जहन को भी पता नहीं क्या हो गया है तुम लोग कुछ कहने आए थे और मैं नहीं बाबा हमारी कोई भी बात आप के लफ्ज़ों से ज़्यादा कीमती नहीं है लेकिन प्लीज़ पापा आप ख़ुद को मेरे और भैया की तरफ से लापरवाह होने का इल्ज़ाम ना दिया करें हम आज जो भी हैं आपकी वजह से हैं मैसम ने बेड बैट पर बैठते हुए उनके हाथ थाम लिए तो वो मुस्कुराते हुए गोया हुए थैंक यू बेटा अब कहो क्या कहने आए थे पापा हम ये बाबा जहीर चाचू लौट आए हैं तो तहरीम भी यहाँ हैं हम ये चाहते थे कि आप बाबा मैसम ये कहना चाहता है कि आप तहरीम की फैमिली से बात करें कि हम चाहते हैं उन दोनों की शादी जरगुल ने बड़े धड़ल्ले से मैसम की बात काटी लेकिन ढंग से वो भी ना बोल पाई तो बाबा उनका मकसद जानकर हंस दिए बड़े होना इतना आसान नहीं होता बेटा वैसे तुम लोगों की तजवीज़ ज़बरदस्त है लेकिन तहरीम के भाइयों से पहले मुझे अपने भाई से तो बात कर लेनी चाहिए मैसम ज़रा इंटरकॉम पकड़ाओ मुझे तुम लोगों के सामने ही जहीर की पेशी लगाते हैं बाबा ने मुस्कुराते हुए इंटरकॉम पर जहीर अब्बास कासमी को ऊपर आने के लिए कहा और अगले चंद लम्हों में वो आ पहुँचे खैरियत कोई ख़ास मीटिंग चल रही है मुझे इस अदालत में किस लिए बुलाया गया है जहीर अब्बास कासमी भी बेड पर ही अपनी जगह बनाते हुए बैठ गए मुजरिम की हैसियत से उन्हें देखते ही मैसम में भी जैसे हिम्मत आ गई ओके, क्या जुर्ब है मेरा वो हंसते हुए पूछ रहे थे मैसम को इस लम्हे वो बड़े पुरसकून और खुश लगे थे इतने बरसों बाद अपने घर लौट आने का सुख उनके मुस्कुराते चेहरे से आया था बात यह है जहीर हम सब चाहते हैं अब तुम शादी भैया प्लीज़ ऐसा कोई मौजू मत छेड़िए कि मुझे यहाँ आने पर पछताना पड़े जहीर अब्बास काशमी के इस मुख्तर से फ़िक्रे में इस क़दर वाजियत तंबी थी कि बाबा हैरान होकर रह गए माहौल पर बारगी ऐसा सकूत छा गया जैसे वहाँ कोई जीरो मौजूद ही ना हो आई एम सॉरी भैया चंद लम्हों के तोकफ़ के बाद वो आहिस्गी से बोले और उठकर तेज़ी से बाहर निकल गए मैसम ने नज़र फेर कर बाबा की तरफ देखा चंद लम्हे पहले तक की शगुफ्तगी नदारत थी और उनके चेहरे पर यूँ जर्दी छाई थी जैसे बरसों की बीमार हों मैसम का दिल उनका गम महसूस करते हुए नागवारी से भर गया यहाँ जो कुछ हुआ इसके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करना अब तुम लोग जाओ मैं सोना चाहता हूँ बाबा ने उन दोनों की तरफ़ देखे बग़ैर बहुत ही धीमे लहजे में कहा तो सम खड़ा हो गया अभी कुछ ऐसा वक्त भी नहीं हुआ बाबा मेरे पीछे पिछले पूरे हफ्ते के लेक्चर मिस हुए हैं तो मुझे इस सिलसिले में आपसे कुछ डिस्कशन करना है जरगुल ने उसे जाने का इशारा करते हुए बाबा से कहा तो मैसम इसे तशक्ाना नज़रों से देखते हुए बाहर आ गया इस वक्त यही बेहतर था बाबा तन्हा ना रहें और अब उसका रुख जहीर चाचू के कमरे की तरफ़ था सो मई डियर लिसनर्स दैट वॉज दी एंड ऑफ सेकेंड लास्ट एपिसोड आई होप यू लाइक इट अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह